हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। और आज से हम, जैसे कि आप जानते हो कि ये न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है, डे बाय डे क्लासेस। और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। जितने भी क्लासेस हैं, सबके जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइन बाय सबके पीडीएफ्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जितनी भी चीजें चाहिए रहती है, स्टडी मटेरियल से लेके हर चीज मिलेगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। और तो इंट्रोडक्शन इतना ही रखते हैं इस चीज के लिए। और सारे ही जो टीचर्स हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी भी जो क्लासेस की जो सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट आती जाएगी, सबके वीडियोस आते जाएंगे, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। तो ये एक चैनल है जो सबका सॉल्यूशन है। जितनी भी क्लासेस है, जितने भी पढ़ने के लिए क्लासेस होती हैं, उन सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है, डे बाय डे क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 10th, जो क्या नंबर है, क्लास 10th का चैप्टर 10th, जो कि है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपने सुना होगा लाइट के बारे में, सबने सुना होगा, रिफ्लेक्शन के बारे में भी सुना होगा। रिफ्रैक्शन एक नई चीज है, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत लेने की बात है नहीं। वैसे तो पहले हम लाइट को देख लेते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट, जैसे कि आपने सबने सुना होगा कि कुछ रेस आती है सन से, है ना, उसे हम लाइट कहते थे। आज हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, है ना, कि एक्चुअली क्या होता है लाइट। तो लाइट मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। जैसे आप सपोज कोई रूम में एंटर करते हो, पहले अंधेरा होता है जब तक आप लाइट ऑन नहीं करते। फिर जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे, ना। तो कैसे होती हैं स्टार्ट, कैसे हमें दिखने लग जाती हैं चीजें, तो उसी चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से हमें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। जैसे यहां से कुछ लाइट आ रही है, लाइट मेरे पे पड़ रही है, मेरे पे पड़ के फिर कैमरे पे पड़ रही है ना, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड हो रहा है और आप मुझे देख पा रहे हो, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, है ना। तो वैसे ही लाइट की जो रेस होती है, लाइट की जो रेस होती है वो हमेशा आपस में पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है। लाइट की रेस कैसी होती है, पैरेलल और स्ट्रेट। तो सपोज कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो यहां से कुछ रेस आती है जो कि एक तो स्ट्रेट होती हैं और आपस में पैरेलल रहती हैं। एक तो स्ट्रेट हो गई और आपस में पैरेलल, है ना, कैसे चल रही है, आपस में पैरेलल जा रही है। अब जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, ये सपोज एक बॉक्स है हमारा, ओ सॉरी कट गया, कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। सपोज ये हमारा सन है और ये हमारी रेस आ रही है, कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। और ये रेस कैसी आ रही है, स्ट्रेट और आपस में पैरेलल है। एक तो स्ट्रेट है और आपस में पैरेलल है। सपोज ये पेड़ से टकराई, ये हमारा पेड़ है, इसे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखना कब स्टार्ट होती है, जब हम ये सपोज आई मान लेते हैं, ये आंख है, ये आई है, आंख है किसी की। जैसे ही आंखों में रेस पड़ती है, पहले सन से रेस निकली, ऑब्जेक्ट पे टकराई जो कि हमारा ट्री है। अब ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके आंखों में गई, जिसकी वजह से ये दिखना स्टार्ट हो गया, है ना। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और लाइट तो समझ में आ ही गया होगा, लाइट मतलब और कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है जो भी हमें देखने में हेल्प करती है, उसे हम लाइट कहते हैं, है ना। सिंपल सी चीजें क्लियर होगी। और लाइट में एनर्जी होती है, मतलब ये जो लाइट की रेस होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटा। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको कहते हैं हम क्वांटा, जिसमें एनर्जी होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटा। वो उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, वो पढ़कर आगे की क्लासेस में आती है। जैसे 11th में अगर साइंस लोगे आप तो उसमें पढ़नी पड़ेगी। अभी बस इंट्रोडक्शन के लिए। तो हाँ, तो ये चीज क्लियर है हमें,
कि हमें ऑब्जेक्ट दिखना कब स्टार्ट होती है, कब रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है रिफ्लेक्शन। अभी हम ये सिर्फ इंट्रो है, बस ऐसे बता दिया डेफिनेशन के तौर पे, अभी हम डिटेल में जाएंगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं आपको, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक तो रेनबो वाला है, यही कहीं था मैंने देखा था, हाँ ये तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक तो है, और द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। अच्छा ये सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, आई वाले चैप्टर में, रेनबो कैसे दिखती है, हमें कब दिखती है, ऑब्वियसली दिखती तो तभी है जब बारिश होती है, ये देखा होगा सबने। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब देखेंगे कि हम स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो लाइट कैसे आती है हमारे पास, हमें कैसे दिखता है, और उस स्टार की लाइट है या नहीं, ये भी देखेंगे हम। तो अभी बता देता हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, अभी नीचे लिखा होगा कुछ एक डेफिनेशन, मतलब अगर लाइट के पाथ पे, अगर लाइट के पाथ पे एक छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट आए तो लाइट क्या करती है, उससे हल्का सा साइड हो लेती है, कट के चली जाती है, कट लेती है भाई साइड। लाइट की ये खासियत है, कोई भी ऑब्जेक्ट आए, कुछ भी आए, वो कट लेती है। तो जैसे यहां पे डेफिनेशन लिख रखी है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ पे आती है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है जो, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देख लेना, ये किन के लिए डेफिनेशन आ सकती है, आ सकती है, आएगी, ये डेफिनेशन आएगी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन कुछ नहीं, ये है कि अगर लाइट के पाथ पे एक छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट की ये टेंडेंसी होती है, या फिर एक उसकी एक क्वालिटी होती है जिससे वो बेंड कर जाता है ना, तभी कहीं पे भी बंद होती है लाइट आ रही होती, अगर पूरी चीज कवर्ड होती है, हल्का से भी एक पॉइंट छेद होता है उसमें से, गैप होता है, तो लाइट आ जाती है उसमें से, है ना। तो लाइट की यही क्वालिटी होती है, कहीं से भी पास कर जाती है, कहीं से बेंड कर जाती है, तो उसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये याद है, याद रहेगा, सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं है, वेरी गुड। फिर से एक बार, डिफ्रैक्शन क्या है, अगर लाइट के पाथ पे एक छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब, इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं बताया शायद मैंने, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज मेरा हैंड है, अब मैं अपने हैंड में देख सकता हूँ, है ना, मैं अपने हैंड पे देखता हूँ, तो इस हैंड वाले एरिया के पीछे जो एरिया आ रहा है उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं दिखेगा, तो मतलब ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आप आर पार ना देख सकते, सिंपल, और जिसके आप आर पार देख सको वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आप आर पार ना देख सकते, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आप आर पार देख सको, इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब जिसके हम आर पार ना देख सके। अगर वैसा कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि पत्थर आ गया, सपोज छोटा सा पत्थर आ गया, तो लाइट क्या करेगी, बेंड होके चली जाएगी, है ना, देखा भी होगा आपने। और इसमें आगे ये बता रखा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, है ना, जिसमें ये पहले पहले तो ये पता चला कि लाइट एक वेव है, फिर और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर पता चला कि लाइट एक पार्टिकल है, मतलब लाइट के दो नेचर है, एक तो वेव भी है और एक पार्टिकल है। लेकिन जब तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तब तक एक एक्सपेरिमेंट में तो ये पता चल रहा था कि लाइट एक वेव है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये पता चल रहा था कि लाइट एक पार्टिकल है, वेव नहीं है। तो धीरे धीरे जब ये कहानी बढ़ती रही तो कुछ टाइम बाद हमें ये पता चला कि लाइट के दोनों कैरेक्टर है, जो कि वेव भी है और पार्टिकल भी है दोनों। वो डिटेल में हम क्लास 11th में पढ़ते हैं फिजिक्स में, अभी तो 10th के लिए इतना ही है, अगर पढ़ना होगा तो आपको लेनी पड़ेगी क्लास 11th की फिजिक्स।
क्लास 11th में साइंस पीसीएम या पीसीबी। खैर हम इस पे आते हैं अब, प्रोपगेशन ऑफ लाइट की क्या होती है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट कुछ नहीं वैसे कि, वैसे तो ये एक वेव नेचर है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, मतलब कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एक तरह से, वो ट्रांसफर होती है तो उसी को कहते हैं हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये इतना डिटेल में तो आता नहीं है, आएगा ही नहीं डिटेल में इतने, तो बस यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है, उसी को कहते हैं हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। और इसमें कुछ स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे है। अभी एक मेन चीज पे आ जाते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है पहला जो स्टार्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन कैसे होती है। तो इसमें कुछ हाईली पॉलिश सरफेस लिख रखा है, क्या होता है हाईली पॉलिश सरफेस, और स्फेरिकल मिरर भी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी पहले पॉलिश सरफेस पे आ जाते हैं। पॉलिश सरफेस कुछ नहीं, पॉलिश सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसमें लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो, एक बार टकराए तो अच्छे से रिफ्लेक्ट होके आए। और सबसे बेस्ट पॉलिश सरफेस हमारा होता है मिरर, सपोज ये कुछ सोर्स है, बल्ब ले लेते हैं, ये हमारा बल्ब है, इसमें से कुछ रेस आई। अब रेस टकराने के बाद गई, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है टकराने के बाद वापस जा रही है, इसको तो कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन अच्छे से हो, हमारी इमेज अच्छे से आए, तो क्या होना पड़ता है उसके लिए, एक चीज का डिपेंडेंसी रहता है जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सरफेस कैसा है। अगर पॉलिश हुआ तो फिर तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होगी, हमारी इमेज भी बहुत अच्छे से आएगी। अगर ये पॉलिश नहीं हुआ तो इमेज भी उतनी अच्छी नहीं आती। अब पॉलिश सरफेस मतलब क्या, पॉलिश सरफेस मतलब अब जैसे रोड देखा होगा आपने, रोड जिस पे गाड़ियां चलती है ना, अब वो पॉलिश नहीं होती है ना, ये सबको पता है, वो पॉलिश नहीं होती, मतलब स्मूथ नहीं होती, एकदम प्लेन नहीं होती, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या समझ में नहीं आएगा तो फिर दोबारा रिपीट, अगर लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, जैसे यहां से लाइट आ रही है, मेरे से टकराई कैमरे पे गई, आपको अच्छी सी इमेज दिखी है ना, तो वैसे ही अगर मेरी जगह कोई ऑब्जेक्ट होता, उससे टकराने के बाद अगर लाइट आ रही है, तो इसका मतलब अगर अच्छे से आ रही है लाइट, रिफ्लेक्ट हो रही है अच्छे से, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है पॉलिश्ड है ना। यही होता है मतलब रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि एक बार टकराने के बाद वापस आनी चाहिए लाइट। अब ये कुछ लॉस हैं, इन्हें देख लेते हैं कि ये लॉस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दो पॉइंट ही है लेकिन ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। तो आइए एक बार हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहला लॉ हमें क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, उसको हमने सन ले लिया अभी के लिए। ये हमारी रे है जो सन से निकली और सरफेस पे टकराई, उसको क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे। वो रे जो सोर्स से निकली और टकराई हमारे सरफेस से, उस रे को कहेंगे हम इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो गई सरफेस से टकराने के बाद वापस चली गई, उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये जो लाइन है जो मैंने खींची है, जो इस सरफेस को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है ना,
ऊपर हाफ नीचे हाफ, इस हाफ को कहेंगे हम नॉर्मल। क्या कहेंगे हम? नॉर्मल। और ये नॉर्मल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल होता है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि क्योंकि यही हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि जो नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। आइए देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसा है, ये हमारा नॉर्मल है जो 90 डिग्री बना रहा है सरफेस। ये हमारा सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है। ये कुछ ऐसा 90 डिग्री बनाता है, लाइट आती है, टकराती है, चली जाती है। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से बनाती है, सॉरी, तो अरे सॉरी सॉरी, पेन लेना था। तो ये जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है हमें? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा जो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है ना। ये जो इंसिडेंट रे, ये भी इसी से टकराने के बाद वापस आई, ये रे और ये जो लाइन है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आ रही है ना, मतलब एक ही प्लेन पे आ रही है, इसलिए कहते हैं हम तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। ये हमारा प्लेन है, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो यही है, इसलिए कह दिया हमने तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। तो ये हमारा तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है, दो ही लॉ थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी मेहनत आपके लिए ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप वो मिस्टेक देखें या फिर फील करें जो हमने अपने टाइम पे देखी थी, है ना। तो इसलिए एकदम डिटेल वाइज जितना हो सके उतना हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, एक से एक चीजें, एक एक वर्ड की जो मीनिंग है, ताकि अगर आप खुद से पढ़ो बुक उठा के तो आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो उस तरह से हम चलेंगे। तो ये हमारा था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन।